बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहम्मद ताहिर, ज़ावी स्कूल सिस्टम, गुलगश्त कॉलोनी, मुल्तान से। बेटा, हम आठवीं जमात की इस्लामियात का सबक नंबर 9, बाब सौम का सबक नंबर 9, फ़िक्र आखरत पढ़ रहे थे। और फ़िक्र आखरत के हवाले से, सबक के हवाले से हमने मुकम्मल सबक की रीडिंग पर बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। और इसके हवाले और इसी तरीके से हमने इसके तफसीली सवालात नंबर 1 और नंबर 2, तफसीली सवाल नंबर 1 और नंबर 2 के हवाले से भी हम बात कर चुके हैं। आज हम इसके मुख्तसर सवालात के ऊपर बात करेंगे। इसके मुख्तसर सवालात जो इजाफ़ी हैं सारे के सारे, वो 10 सवालात हैं। 10 सवालात हैं, उनमें से पहला है, हाविया किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किन गुनाहों से बचने की तलकीन फरमाई है। तीसरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने हमें कबल अज़ वक्त आखरत की जज़ा और सज़ा से क्यों आगाह फरमाया है। चौथा सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सा सवाल किया जाएगा। पांचवा सवाल है, फ़िक्र आखरत का अव्वलीन तकाजा क्या है। और इसी तरीके से छठा सवाल है, जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए कितनी जन्नतें हैं। सातवां सवाल है, क़यामत के दिन किन नेमतों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। और आठवां सवाल है, फ़िक्र आखरत के बारे में सूरतुल हश्र में क्या फरमाया गया है। नौवां सवाल है, अगर इंसान नेमतों से इनकार करे तो क्या होगा। दसवां सवाल है कि फ़िक्र आखरत के बारे में सूरतुल कहफ़ के आखिरी रुकू में क्या फरमाया गया है। ये बेटा 10 सवालात हैं। 10 सवालात आप अपने पास नोट कर लें, जवाबात आपको नोट्स की सूरत में तस्वीर के साथ भेज दिए जाएंगे। नोट्स की तस्वीर बनाकर आपको भेज दी जाएगी, वहाँ से आप इन सवालात के जवाबात ले लेंगे। अपनी किताब पर इन सवालात के जवाबात के निशान लगा लेंगे। और इसी तरीके से आपने अपनी नोटबुक पर इन सवालात को लिखना भी है। पहले भी ये बात बताई गई है, फिर बता रहा हूँ कि आपने इन सवालात को अपनी मुख्तसर जो सवालात हैं अपनी कॉपियों पर भी लिखेंगे, और जो किताब पर निशानात लगाने का काम है वो भी ज़रूर करेंगे। और इसके साथ खाली जगह जो है इसके अंदर जो अल्फाज आने हैं वो अल्फाज भी आपको तस्वीर की सूरत में वो भेज दिए जाएंगे। आपने वहाँ से देखकर इन अपने खाली जगह को भी पूर कर लेना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।